कितना पैसा बना लेते हैं हम महीने? मतलब महीने में ठीक ठाक बना, मतलब जॉब से डबल टेबल कर लेता हूँ। जॉब से कितना कमा रहे हो आप? जॉब से सीनियर इंजीनियर हूँ, बहुत कम सैलरी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत टाइम के बाद हम ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही धुरंधर हैं, खतरनाक हैं। ये भाई साहब जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ में अपना एक इंस्टाग्राम पेज रन कर रहे हैं पार्ट टाइम में बिना फेस दिखाए, और वहां से सिक्स फिगर में इनकम कर रहे हैं। मतलब ये अपनी जॉब की सैलरी से ज्यादा इनकम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पेज से। कौन सा इंस्टाग्राम पेज रन करते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इस इंस्टाग्राम पेज पर अभी कुछ 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे गेस्ट से। भाई स्वागत है राम कुशवाहा जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर, कहते हैं आप? मैं एकदम बढ़िया भाई। मैंने तो इंट्रो में बता दिया, वैसे आप बता दो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। मेरा नाम राम कुशवाहा है और मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ। ओके, और मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, साथ में वहीं पर इंस्टाग्राम है मेरा। हाँ, तो इंस्टाग्राम ही आपका है? हाँ, इंस्टाग्राम पेज है मेरा। अच्छा, हम क्या मार्क ज़करबर्ग ने आपको बेच दिया भाई? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पेज है मेरा, तो उस पर मैं काम करता हूँ, साथ में मेरी जॉब है, मैं एज ए सीनियर इंजीनियर जॉब करता हूँ। ओके, बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक? मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा हुआ है। तो आप जैसे कब पास आउट कब हुए थे इंजीनियरिंग में? 2016 बैच सेम। हाँ, तो 16 से पास आउट होकर आपने जॉब करने लगे आप? हाँ, जॉब करने। ओके, उसी साल से कि आपने गैप लिया था जॉब में? नहीं, उसी साल से जॉब। हाँ, बीटेक में ऐसा होता है कि पास आउट होने के बाद जॉब जल्दी मिलती नहीं, लेकिन मुझे मिल गई थी, लेकिन वहाँ पर कॉलेज है बुद्धू बना देते हैं। हाँ, तो प्लेसमेंट मेरा मतलब दिखाने के लिए हो गया था, बढ़िया पोस्टर बैनर पे लग गया था। हाँ, मेरा भी अभी तक कॉलेज में लगा हुआ है। हाँ, तो भाई कॉलेज में मेरा भी लगा हुआ था, लेकिन मेरा प्लेसमेंट हुआ था, मैंने जॉब किया नहीं था। अच्छा। हाँ, बट वहाँ पोस्टर लग गया था, मैंने देखा था, मेरे कुछ दोस्तों ने भेजा था वो फोटो। तो ये कंटेंट क्रिएशन कैसे शुरू हुआ और इंस्टाग्राम पे कैसे पेज बनाया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये ऐसा था कि यूट्यूब से सुना था कि पैसे बनते हैं, वीडियो बनाओ पैसे बनते हैं। मेरा चैनल देखा था? हाँ। तो आप बस ऐसे वीडियो सर्च करते कैसे पैसे कमाए, तो आप ये सब वीडियो बनाते थे। हाँ। तो आपके वीडियो देखते थे, आपके ब्लॉग्स वगैरह, आपने बाइक खरीदी थी अपाची 2019 में खरीदा था? हाँ, तो उसके पहले भी देखता था। ठीक है, तो एक वीडियो आपने बनाया था कि एक बंदा था जो 12th में पढ़ रहा है, साथ में अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है, 80,000 कर रहा था वो। ओके, तो आपका वीडियो देखा, फिर सोचा यार क्यों ना मैं भी करूं, तो मैं YouTube पे भी काम कर रहा था उस टाइम। अच्छा, पहले आपने YouTube से शुरू किया था? हाँ, YouTube पे। तो YouTube पे क्या होता है कि लॉन्ग वीडियो होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एडिटिंग वगैरह ये सब। टाइम तो लगता है। हाँ, तो ट्रैवल ब्लॉग्स थे मेरे, तो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था उसमें, हालांकि अच्छा नंबर हो गए, देख 21,000 मेरे सब्सक्राइबर थे, अभी भी हैं, लेकिन वो सब डेड पड़ गए। एक चीज़ गाइस यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम्हारी वीडियोस देख के कोई पैसा कमाया है क्या, तो भाई आज हमारे आज के जो गेस्ट हैं ये खुद आपके सामने जीता जागता सबूत है। और मैं भी कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे को कोई मैसेज करता है कि भाई मैं आपकी वीडियोस देख के मैं पैसे अर्न करने लगा हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है इनकी स्टोरी मेरे चैनल पे लेके आना चाहिए, तो मैं लेके आता हूँ। अभी पीछे कुछ एपिसोड्स हमने करे जो हमारे चैनल को जिन्होंने देखा था और वहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने काम शुरू किया था। मैं यहाँ पे क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इंस्पिरेशन जो होता है भाई, कि जैसे मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी किसी से इंस्पायर हुआ था, मैंने उसको देखा था भाई ये कर सकता है तो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी कर पाऊँगा कि नहीं, तो वहाँ से वो एक चिंगारी लगी थी, एक आग जली थी, और फिर आज मैं ठीक ठाक अर्न कर रहा हूँ। ठीक ठाक क्या मतलब, मैं अपने ज़रूरत से ज़्यादा मैं अर्न कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ ये भी ऑनलाइन इनकम से। तो आपने जब वीडियो देखी थी, और उन वीडियोस का मकसद यही होता है, इवन आज के वीडियो का भी यही मकसद है कि कोई इंस्पायर हो, अगर एक बंदा भी इंस्पायर हुआ ना तो मैं अपने आप को बहुत सफल मानता हूँ, बहुत संतुष्ट फील करता हूँ, और आज आपको सामने देख के तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ। नहीं, तो मैं भी बहुत खुश हूँ आपको। मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मेरे को मैसेज किया था कि भाई आपको देख के मैंने पेज शुरू किया था, उसके लिए मैं आपको अलग से आपको थैंक यू करना चाहूँगा, और आज शेयर करोगे अपनी जर्नी तो हमारी ऑडियंस को भी इनसाइट मिलेगा। तो ये जो पेज है, जिस पेज के लिए हम यहाँ पर आपको बुलाए हैं, तो इस पेज का नाम आप रिवील कर दीजिए। तो इस पेज का नाम है गुड़गांव मेरी जान। गुड़गांव मेरी जान, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हाँ, जो कि गुड़गांव का बिगेस्ट इंस्टाग्राम कम्युनिटी है, सबसे बड़ा। हाँ, कितने फॉलोअर्स हो गए अभी? 2,17,000 है, आज 18 हो जाएंगे। ओके, 2,17,000 गुड़गांव, लाइक नाम से ही लग रहा है कि इसमें गुड़गांव से रिलेटेड आप कंटेंट बनाते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ गुड़गांव का कंटेंट रहता है, और ऑडियंस सारी गुड़गांव से है, कुछ पार्ट दिल्ली का भी है, मतलब दिल्ली से भी लोग हैं, क्योंकि दिल्ली से जॉब करने आते हैं लोग, NCR में आता है तो बराबर।
तो एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे आपने बताया कि जब शुरुआत आपने यूट्यूब से करी थी, फिर जाके इंस्टाग्राम पे कैसे आ पाए थोड़ा सा? हाँ ऐसा था, वीडियो एडिटिंग आती थी मुझे, वीडियो बनाना आता था। यूट्यूब पे क्या होता है कि लॉन्ग वीडियोज होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बराबर स्क्रिप्ट बनानी होती, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है, ऑडियो इफेक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो इंस्टाग्राम पे होता है वो शॉर्ट कंटेंट होता है, ठीक है, 15-20 सेकंड की वीडियो अच्छा खासा मतलब बता देती है कि हाँ क्या है वीडियो। तो मैं गुड़गांव, मेरी जॉब लगी गुड़गांव में, शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे जब आपका वीडियो देखा था कि पेज बनाना है इंस्टाग्राम पर और उससे पैसे कमाने, तो मैंने देखा कि गुड़गांव का तो नहीं कोई पेज, तो मैंने फरवरी 2022 में स्टार्ट कर दिया था बनाना, गुड़गांव मेरी जान। फिर मैंने गुड़गांव में घूमना चालू किया, गुड़गांव बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सिटी, अच्छी सिटी है, आई लव गुड़गांव, मैं भी आया हूँ कई बार आया। हाँ हाँ तो क्या था कि मैंने गुड़गांव लोगों को दिखाना चालू किया, लोगों को अच्छा लगा, मेरे वीडियो पसंद आए लगे, कई लोग बोलते हैं कि भाई गुड़गांव है ऐसा सच में, मैसेज आते हैं, मैं कहता हाँ एक बार घूम के देखो। वो कई लोग ये बोलते हैं कि यार इतना अच्छा दिखा रहे, इतना अच्छा है नहीं गुड़गांव, यानी कि एक बार जाके गुड़गांव के होंगे वो ऐसा बोलते होंगे। हाँ क्योंकि लोगों ने नहीं देखा ना, बराबर। हाँ नहीं लोगों ने देखा नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं जो गुड़गांव रहते हैं अभी नहीं उन्होंने घूमी, बहुत सारी जगह घूमा, हाँ अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है। हाँ तो वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ अपने पेज पर। अच्छा तो लोग उसके साथ एंगेज करते हैं, साथ में मुझे स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, ब्रांड प्रमोशन, हाँ ब्रांड प्रमोशन मिलते हैं, तो वहाँ से मैं पैसा। किस तरह के प्रमोशन होते हैं वो? ये होते जैसे गुड़गांव से रिलेटेड कुछ भी, गुड़गांव में ओपनिंग हो रही है या कोई कैफे रेस्टोरेंट, ओके, या गुड़गांव में तो कंसर्ट आए दिन होते रहते, सिंगर आ रहा या कोई इवेंट है, पैसे देते हैं लोग? हाँ अच्छा तो उन्हीं से कमा। अभी हम पैसे वाले पार्ट पे आएंगे, एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे अभी गुड़गांव के बारे में मैंने सुना है कि एक कोई कैमिलियास करके सोसाइटी है जहाँ पे 100 करोड़ का घर बिका था। हाँ हाँ तो ये सब न्यूज़ आप ही डालते? हाँ वो न्यूज़ आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाली हुई थी। ओके तो फिर हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च की, तो आपने कैमिलियास का वीडियो भी डाल दिया। हाँ तो कैमिलियास का बाहर से गोल्फ कोर्स रोड से, तो सही में 100 करोड़ का बिका घर? हाँ न्यूज़ में तो यही है, बाकी मैं पर्सनल उन लोगों से नहीं मिल पाता। अच्छा हाँ बाकी है बिका होगा। तो अब जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि भाई इंस्टाग्राम डायरेक्ट पैसा नहीं देता, जैसे यूट्यूब पे हम मोनेटाइज कर लेते हैं अपने कंटेंट को और गूगल एडसेंस के साथ में टाइप हो जाता है और फिर वहाँ से हमें कुछ पैसे मिलते रहते हैं व्यूज़ के हिसाब से जो भी एड्स चलते हैं हमारे उस पर, बट इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट ऐसा मोनेटाइजेशन नहीं है। बीच में एक रील्स बोनस भी आया था, अभी इंस्टाग्राम पे वो भी आई थिंक चला गया है। बस एक है कि सब्सक्राइबर आपको गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं, एक वो तरीका है पैसे कमाने का जिसमें सब्सक्राइबर भी नहीं उतना पे करते हैं, और कोई अगर प्रीमियम कंटेंट उस पे सेल कर रहा है तो एक प्रीमियम का एक ऑप्शन रहता है। तो आप कैसे पैसे कमाते हो? जैसे अभी आपने बताया कि ब्रांड डील्स आपको आते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो मैं पैसा कमाता हूँ वो ओनली सिर्फ ब्रांड डील से, बाकी इंस्टाग्राम से जो रील बोनस कहता है उसमें अभी तक मेरे $4-5 ही बने हैं। अच्छा ठीक है, अभी बोनस है आपके पे? हाँ है। अच्छा मेरे पे तो खत्म हो गया। हाँ तो बस इतना है, बाकी सारा स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर से। हाँ सारे पर मंथ अभी कितना हम बना लेते हैं मोटा मोटी, स्पॉन्सर कितने आ जाओ? मतलब बहुत स्पॉन्सर तो बहुत होते हैं, मैं कम करता हूँ जिनके साथ अच्छा लगता है करना। हाँ तो वही करता हूँ, बाकी हैं हमारे पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड है उनके साथ काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा देते हैं। कितना पैसा बना लेते हैं हम महीने? मतलब महीने में ठीक ठाक बना, मतलब जॉब से डबल टेबल कर लेता हूँ। जॉब से कितना कमा रहे हो आप? जॉब से सीनियर इंजीनियर हूँ, बहुत कम सैलरी है लेकिन बता दे रहा हूँ कि 50,000 की पर महीने। तो आपने बोला कि जॉब से 2-3 गुना, तो हाँ हाँ मतलब ऑडियंस जानना चाहती है भाई, गाइस लाइक करो दो आगे। 1-1.5 लाख रुपए बना ले, 1.5 लाख बना ले। हाँ ये आराम से हो जाते। और कभी आपने फेस रिवील किया इस पेज पे? हाँ किया है 2-3 बार किया है। तो और फेस से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि आप कंटेंट तो गुड़गांव से? हाँ वहाँ का। हाँ बना रहे हो? हाँ वो ऐसा करता हूँ फेस रिवील, जैसे किसी रेस्टोरेंट या कैफे में तो अब एक्सप्लोर करना है तो उसको या तो आप एक काम करोगे सिर्फ वीडियो दिखाओ, लेकिन ये भी हो जाता है कि स्टोरी भी बिल्डअप करनी है ना कि हाँ हम आज यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं और अब व्लॉग टाइप। हाँ हाँ तो वो वैसे फेस रिवील कर। अच्छा कंटेंट का क्या फॉर्मेट्स होते हैं, किस फॉर्मेट्स में हम कंटेंट डालते हैं स्पेस पे? देखो फॉर्मेट तो ये होते हैं कि जैसे जिस ब्रांड के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं ना, तो उस ब्रांड के बारे में पहले समझते हैं कि हाँ भाई ये क्या चीज़। नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि रील्स डालते हैं कि इमेजेस भी डालते हैं? सब कुछ डालना पड़ेगा। हाँ रीच किस पे सबसे ज़्यादा आती है? रील पे ज़्यादा आता है। ओके तो मोस्टली रील पोस्ट करते रहे? हाँ रील है, स्टोरीज लगाओ, ठीक है। हाँ। और साथ में आपको देखो तीनों चीजें करनी पड़ेगी, ग्राउजल पोस्ट, स्टैटिक पोस्ट, रील भी, स्टोरी भी। एक बार मैं आपका पेज ओपन करता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ठीक है, तो ऑडियंस को भी समझ में आएगा। गाइस तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। गुड़गांव मेरी जान, मेरी जान, यही है ना? हाँ जी ये तो मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई, थैंक यू। आपसे बात हुआ रहेगा उसके बाद मैंने फॉलो कर लिया होगा। हाँ जी ठीक है, इसमें 2,17,000 फॉलोअर्स हैं गाइस, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो मुझे ज़्यादातर तो रील्स दिख रहे हैं, अभी टॉप 9 पोस्ट तो मेरे को रील्स दिख रही हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पे एक वो दिख रहा है, कराउजर्स दिख रहे हैं, ओके 3.2 मिलियन व्यूज, मिलियन मिलियन भी व्यूज आते हैं। हाँ यहाँ पे 3 लाख व्यूज दिख रहा है, 97,000, 2 लाख। अच्छा मतलब थोड़ा फ्लक्चुएट करता है व्यूज। हाँ वो करता है, वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है और बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा व्यूज कितना आया था? सबसे ज्यादा व्यूज थे एक रील पे 9 मिलियन थे, जो 9 मिलियन हाँ पिछले साल गए थे। तो गाइज आप देख सकते हैं ये पेज है, आप चाहे तो कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं कि इस तरह का कंटेंट ये बनाते हैं। और फेस जैसे इन्होंने बताया, एक दो बार इन्होंने दिखाया है, तो यहाँ से कोलैब करके पैसे बनाते हैं। ओके ठीक है, तो अब हमें बताइए कि कंटेंट कैसे बनाते हैं आप, क्या कैसे शूट करते हैं, क्या कैमरास इक्विपमेंट्स वगैरह बताइए, एडिट कैसे करते हैं? मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, ना मैंने अभी तक यूज किया है, ना मुझे चलाना भी आता। ठीक है, मेरे पास पहले था मोबाइल रियलमी 6 प्रो, फिर इसके बाद 11 ले लिया था, 11 प्रो। ठीक है, पैसे आए तो हाँ ठीक है। फिर इसके बाद अब 2-3 महीने पहले आईफोन ले लिया मैंने। देखा यार जो जॉब करते हैं 50,000 की सैलरी होती है, आईफोन पहले लेते हैं भाई। तो ऐसा ना नहीं लिया, नहीं मैं हवाबाजी में बिलीव नहीं करता, मतलब जो है वो बढ़िया है भाई। हाँ मतलब क्या जो जो काम 6,000 के मोबाइल 7,000 के से हो जाता, तो मैं इसलिए नहीं लिया था, नहीं तो ले सकता था पहले भी, लेकिन लिया नहीं था बस ऐसे ही। मतलब ये था ना कि भाई बनाना आना चाहिए कैमरा, चाहे जैसा हो अगर आप अच्छे से बनाना आ रहे हो। कंटेंट मैटर करता है। हाँ कंटेंट मैटर करता है, तो ये चीज़ थी। तो पहले Realme 6 से बनाते थे, अभी iPhone 11 से बना रहे हो? ना 14 है। अच्छा 14 है, ओके। हाँ तो iPhone 14 ले लिया, अब इससे बना। किस में करते हो आप ये सारे वीडियोस रील्स वगैरह? ये सारे मोबाइल में ही करते, मोबाइल में ही करते। हाँ VN ऐप, VN ऐप से। VN ऐप हाँ फ्री है ये? हाँ फ्री है। ओके सो गाइस इन्होंने बता दिया, टूल्स भी बता दिया कि क्या क्या यूज़ करते हैं, और कंटेंट का फॉर्मेट जैसा कि क्राउजर्स बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, लाइक रील्स बनाते हैं और स्टोरीज पे भी डालते हैं। ठीक है, अब बताइए कि ब्रांड्स आपसे कैसे रीच आउट करते हैं, आपको कैसे बात करते हैं कोलैब करने के लिए कि लाइक इतना पैसा ले लो, हम हमारा वीडियो कर दो, प्रमोशन कर दो। हाँ ब्रांड डीएम्स करते हैं, बहुत सारे डीएम आते हैं। हाँ ईमेल भी करते हैं? हाँ ईमेल भी करते हैं। हाँ और कॉल करते हैं। ठीक है, हाँ तो वो रीच आउट करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ है, हमारी गुड़गांव में ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो मोस्टली गुड़गांव वाले ही? हाँ हमारा सिर्फ गुड़गांव का लोकल ब्रांड्स। हाँ लोकल। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा ब्रांड जो आपको रिच आउट किया हो, आपको याद हो उसके साथ काम किया हो आपने? हाँ बहुत सारे हैं, जैसे कुछ नाम बता सकते हैं, रिवील कर सकते हैं? हाँ बताना, गुड़गांव के जितने भी मॉल्स हैं लगभग सबके साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है बढ़िया। हाँ बड़ा जो नाम है वो वर्ल्ड मार्क गुड़गांव एंड वर्ल्ड मार्क दिल्ली। ठीक है, दोनों के साथ किया? हाँ एरो सिटी वाले वर्ल्ड मार्क दोनों के साथ कर रहा हूँ, और BBT गुड़गांव इनके साथ भी हमारे BBT जो गाड़ियाँ बेच, हाँ सुपर कार लग्जरी, हाँ इनके साथ है, और भी बहुत सारे हैं। मैकडी के साथ कर रखा है। मैकडी के साथ भी किया? हाँ मैकडी के साथ। तो उस पर डील कैसे हुआ था, बर्गर पे? नहीं उनके यहाँ पे ना एक लॉन्च हुआ था एक उनका प्रोडक्ट। क्या लॉन्च? रैप चिकन रैप वगैरह ये चीज़ें लॉन्च हुई थी। तुमने पैसे दिए थे कि बार्टर पे करे थे? नहीं नहीं हम बार्टर नहीं करते, बार्टर ऐसे बोले आके खा लेना। नहीं मेरे यहाँ ऐसे कुछ ब्रांड्स आते हो? हाँ बहुत बहुत आते हैं। ठीक है, कि वो कहते हैं कि आओ आप हमारे यहाँ पर हमारी सर्विस यूज करो, तो मना कर देते हैं। तो बार्टर कोलैब करना चाहिए? नहीं देखो बार्टर ये है कि 10-20 हज़ार आपके पास अगर फॉलोवर है तो आपको कंटेंट भी चाहिए ना दिखाने के लिए। बराबर। हाँ तो आप कर सकते हैं बार्टर कोलैबोरेशन। अच्छा एक आपको पहला कोलैबोरेशन कब आया था, मतलब ब्रांड के साथ प्रमोशन करने का मौका कब मिला था? ये आया था मैंने बार्टर किया था, मेरे 8,000 फॉलोवर थे। अच्छा तो हाँ तो बार्टर में क्या मिला था? कॉकटेल भी था, मतलब कॉकटेल वीक की पार्टी थी। ओके इवेंट था वो। हाँ तो उन्होंने मुझे 5 टिकट दिए थे। हाँ वो पहला था, मतलब किसी ने रीच आउट। टिकट का वैल्यू क्या था? 1500 रुपये था एक टिकट का। हाँ तो 5 टिकट दे दिया था। हाँ हाँ पैसे नहीं दिए? नहीं। अच्छा ठीक है, और उसके बाद पहला पैसा कैसे कमाया था, कितना कमाया था? पहले 700 रुपये का एक मैंने किया था प्रमोशन, जब मेरे 10,000 हो गए थे। हाँ। तो जहाँ मैं रहता था उसके पास में एक रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने रीच आउट किया कि न्यू गुड़गांव में एक हमारा रेस्टोरेंट है, हमारे पिताजी चलाते हैं, उनकी लड़की ने रीच आउट किया था, वो पंजाब में रहती थी। ओके तो उन्होंने बोला कि वीडियो बना दो, कितने रुपए लोगे? मैंने कहा भाई पैसे तो फिर लेते नहीं, मैंने कहा आप जितने दे दो उतने में कर लेंगे। हाँ तो मैंने 1,000 रुपये चार्ज मांग लिया, उन्होंने बोला नहीं हम 700-800 रुपये देंगे। तो मैंने कहा चलो भी नेगोशिएट कर लिया। हाँ तब कितने फॉलोअर्स थे? 10,000 थे। 10,000 थे, अभी 2,17,000 फॉलोअर्स है। तो अभी कितना आप चार्ज करते हो, ऐसे कोई पूछता भाई कितना चार्ज करते हो तो क्या बोलते हो? देखो वो डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, वीडियो में क्या है, अगर मॉडल यूज कर रहे हैं किसी को तो फिर अलग से उसका अलग से चार्ज होता है। ऑन एन एवरेज क्या रहता है? वही हम क्वेट करते हैं 25,000 से 30,000, 35,000 भी। पर बाकी वो डिपेंड करता है कि कैसी हम डील कर, किस तरह कंटेंट है उस पर डिपेंड। हाँ 25 से 30,000 जहाँ पे डील डन हो जाती है। और आप महीने में कितना कंटेंट पोस्ट करते हो अपने इस पेज पे? देखो जो डेली का क्या फ्रीक्वेंसी रहता है,
डेली करते हो? हाँ डेली, पर डे देखो अगर सोशल मीडिया पे हो तो पर डे होना ही चाहिए। हाँ एक करते हो? हाँ एक दो तीन भी करता हूँ, मतलब हमारा जो टारगेट होता है कि मिनिमम दो तो करने ही करनी है। हाँ मिनिमम दो। हाँ और टाइमिंग कुछ होता है कि कितने टाइम पे हम पोस्ट करेंगे या कभी भी पोस्ट कर देते हैं? नहीं टाइमिंग होती है, क्या टाइमिंग? अगर आप देखो मैं बताऊँ सही टाइमिंग एज ए इंस्टाग्राम पे तो 10 से 12 के बीच में मॉर्निंग में, ठीक सुबह 10 से 12। हाँ 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 और बाकी इवनिंग में आप 6 बजे से 8-9 बजे तक कर सकते हो। हाँ बाकी ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस के ऊपर, बाकी जैसे हमारा है तो हम चजब कर दें। मैंने रात के 1 बजे भी पोस्ट की है वीडियो, वो भी अच्छी गई है। अच्छा कभी ऐसे पेज पे कभी आया है कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है, थोड़ा कोई ऐसी चीज डाल दो कि मेरी गर्लफ्रेंड तक पहुंच जाए? नहीं 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 आता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे उसे कुछ अतरंगी कुछ आते हैं डीएम्स हाँ डीएम आते हैं क्या? ये बहुत सारे आते हैं कि भाई मैंने एक लड़की को मेट्रो में देखा था हाँ यार वो डीएम कर दो, उससे मैंने हाय वाय भी किया, वो मिल नहीं रही है। अच्छा हाँ ऐसे आते हैं। हाँ आते हैं। और कई लोगों के ये भी आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड गुड़गांव में जॉब करती है, वो उस क्लब में मुझे मतलब पता चला उस दिन गई थी, तो क्या वहाँ की फुटेज मिल सकती है क्या, किसके साथ गई थी? भाई बहुत कई लोगों का दर्द आपके सामने खुल जाता होगा है? हाँ बहुत बहुत सारे लोग। अच्छा एक और क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, हाईएस्ट इनकम, आप हाईएस्ट इनकम कितनी हुई थी 1 महीने में? देखो इनकम सबसे ज़्यादा प्रमोशन आते हैं ना वो आते हैं दीपावली के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ना ऑफर्स वगैरह हाँ ऑफर्स चलते हैं लोगों को दिखाने को, तो उस टाइम पे मेरी 2 लाख के मतलब चली गई थी। अरे बहुत बढ़िया है। तो ये मतलब पार्ट टाइम था, अगर मैं फुल टाइम करता तो बहुत अच्छा तो करता। चलो आपको तो मतलब 2 साल का टाइम भी हो गया, दो साल 2 महीना हो गया है ना। तो जो नए लोग हैं जो ग्रो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कोई आपके तरफ से कोई टिप्स? हाँ टिप्स यही है कि आप इंस्टाग्राम चालू करो, ठीक है, और उसे वीडियो बनाना स्टार्ट करो, पर डे बनाओ, ये मत देखो रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ठीक है, बस बनाना स्टार्ट करो, जिस वीडियो पे अच्छे व्यू आ जाए उसको समझो वीडियो को ये किस क्यों लोगों ने देखी। क्यों चला है? हाँ जितना ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन रहेगा रील पे उतनी अच्छी रील चलेगी। जो स्टार्टिंग है स्टार्टिंग में आप रील बनाओ 15 से 20 सेकंड, ठीक है, जितनी कम रहेगी ना उसमें उतना अच्छा ऑडियंस रिटेंशन रहता है। ठीक है, 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा बनाएंगे तो हाँ फिर रिटेंशन कम होगा। हाँ क्योंकि शॉर्ट कंटेंट है ना, लोग कम ही देखते हैं, सीधा स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन यार मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे मुजरा चलता है, डांस चलता है, गेट रेडी विथ मी चलता है सब कुछ हैं? चलता और बहुत सारे लोगों को तो पता है तो कैसे काम करता है, वैसे ही दिखाते हैं वो लोग, नहीं देखो ये होता है हमारा तो आप छिप जाता है। हाँ नहीं नहीं ऐसा होता ना, आप जिस टाइप के कंटेंट बनाएंगे ना उस टाइप की आपको ऑडियंस ढूंढ लेगी। ढूंढ लेगी। हाँ मतलब होगी, आप जो भी बनाएंगे ना लोग होंगे, ठीक है, आप जो भी बनाएंगे उसको देखने के लिए लोग होंगे, आप कुछ भी तो बनाओ। जैसे आपने अपनी निश ढूंढी थी कि यार मैं गुड़गांव से रिलेटेड मैं चीज़ें पोस्ट करूंगा, तो आपने एक खाली जगह देखा वहां पे आपने बनाना शुरू कर दिया, तो कुछ और भी आपको ऐसी चीज़ें लगती है कोई सजेस्ट करोगे, कोई ऐसे निश या ऐसे टॉपिक्स जिन पे रील्स बना के हम ग्रो कर सकते हैं? हाँ बहुत सारी चीज़ें तो आपको ढूंढना पड़ेगी, क्योंकि चलो ऐसा आपको होता रिसर्च खुद करना पड़ेगा, ऑडियंस खुद हाँ रिसर्च करना पड़ेगा। अभी है एक मतलब चल रहा है कुछ, वो मैं जल्दी गुड़गांव मेरी जान पर रिवील करूँगा, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को हेल्प करेगी, वो अभी तक शायद है नहीं मतलब इंस्टाग्राम पे। अच्छा हाँ भाई ने प्रमोशन कर लिया अपना। ठीक है, और ब्रांड कोलैब के लिए कोई स्पेशल टिप्स कि ब्रांड हमें जल्दी मिले और उनके साथ कोलैब हो पाए? हाँ यही है कि देखो आप व्यू दो, बस आपकी रील पे व्यू देखेंगे ना ब्रांड ऑटोमेटिक आपको ढूंढ देगा, अगर आप उसे मना भी करेंगे ना वो आपको परेशान कर देंगे, नहीं भाई करना है आप बताओ कितना लोगे। कोई ऐसा हाँ ब्रांड जो आपको मुंह मांगा और हाँ गिराओ? मतलब ऐसे आए हैं लेकिन मैं मुंह मांगे मतलब ऐसे नहीं करता कि आप आम उड़ने लगूँ, नहीं मैं इतना ही लूँगा। हाँ मतलब मेरा ये रहता है कि भाई इतना चार्ज करना है भले ही कितना बड़ा ब्रांड आ जाए। हाँ बाकी बहुत अच्छा मैं रिजल्ट अच्छा बहुत अच्छा दिया मैंने गुड़गांव में, एक मिसबू करके एक ब्रांड था, ठीक है, वो गुड़गांव में लॉन्च हुआ Reach3 Mall Road में, उसकी मैंने रील डाल दी थी, जैसे आज लॉन्चिंग है 2 दिन बाद मैं खुद देखने गया साइट पे, तो वहाँ पे बिल्कुल सारा मटेरियल उनका सारे प्रोडक्ट बिक चुके थे। अच्छा हाँ बिल्कुल खाली आपके था। प्रमोशन की वजह हाँ 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 तो उसको दोबारा बोलो, थोड़ा नहीं उन्होंने दोबारा कहा, इनवॉइस रेज करो। हाँ मैं ना कुछ कुछ चीज़ें खरीदने गया था वहाँ से, मैंने कहा भाई क्या हुआ ये सारा मटेरियल का, बोले राम जी आपकी वजह से ही हुआ है ये, और हमारा ट्रक आ रहा है मुंबई से 2-3 दिन बाद आ जाएगा क्या मटेरियल। प्रोडक्ट था वो? उसमें ना क्या है कि डेली कॉस्मेटिक चीज़ें अच्छा मिलती हैं, कॉस्मेटिक वाली हाँ चीज़ें। डेली यूज के वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो सारी बिक गई थी उनकी, तो बहुत अच्छा लगता है जब कहीं से ऐसा फीडबैक आता है ना, वैसे तो आते रहते फीडबैक बहुत सारे। ओके, अभी करंट में आपके पास कितने ब्रांड कोलैब हैं जो करने हैं, अभी आपने पोस्ट नहीं किया है वीडियो? अभी 4-5 है हमारे, 4-5 अभी रहते हैं आपके? हाँ हमेशा लाइनअप रहते हैं, जैसे ही ऑफिस के बाद टाइम मिलता तो करता हूँ। मैंने ये मजे की बात है कि आप जॉब भी कर रहे हो उसके साथ साथ में पार्ट टाइम में कर रहे हो, तो कितना समय देते हो आप इसको?
देखो मेरा क्या है ना, जॉब मेरी 8 घंटे की रोटेशनल जॉब है, ठीक है। अगर फुल टाइम भी होती तो भी बोले तो शिफ्ट वाइज होती, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट नाइट। आपका शेड्यूल खराब नहीं होता? नहीं, वो उसी हिसाब से मैं शेड्यूल बनाए रहता कि मतलब ब्रांड को, अगर जैसे मेरी कोई सूट है, अगर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैं इवनिंग में सूट करता हूँ। ओके। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे पास है, मेरे दोस्त है, एक मोहित है। अच्छा, आपके साथ मतलब हाँ कितने लोग हैं अभी? अभी 2 लोग हैं, वो लोग को लेके। हाँ, तो एक बोलो कि 2 लोग की और 2 लोग? नहीं नहीं हम टोटल 3 लोग हैं, जिसमें हाँ मैन मैं हूँ, बाकी अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो अगर मीटिंग्स हो कोई या कोई सूट हो तो मोहित है, एक अखिल है, ये 2 दोस्त मेरी हेल्प करते हैं हमेशा। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो जो भी इनके दोस्त हैं उनको ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से। और एक चीज़ बताइए कि कितने पेजेस और रन करते हैं इसके अलावा, और पेजेस हैं? हाँ है, लेकिन उस पर उतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा क्योंकि जॉब से टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है। है मतलब है पेज है, नोएडा मेरी जान, दिल्ली मेरी जान, मुंबई मेरी जान, हैदराबाद मेरी जान, हाँ बढ़िया है, हाँ चंडीगढ़ मेरी जान, तो ये सारे पेज तो अपने लिए रखे हैं पेजेस। हाँ, तो अभी इन पे काम करने स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं। तो अभी इंस्टाग्राम जब आपका चल गया तो आपने फिर यूट्यूब ट्राई किया वापस? नहीं अभी नहीं किया, लेकिन आपसे सीखेंगे ना तब स्टार्ट करें, मतलब है यार एक चीज़ ये भी है ना, सबका अपना अपना है कि जिसका जो चल रहा है ना चला रहा है। हाँ मतलब हर काम हर किसी को नहीं साझेगा। बिल्कुल, मानते हो कि नहीं आप? हाँ, जैसे मेरे को इंस्टा उतना नहीं समझता। अच्छा, ये तो हम अभी इसी में से थोड़ा सा काट के उधर अपलोड कर देते हैं। कंटेंट के अलावा इंस्टाग्राम पे लाइक पोस्ट वगैरह करने में, एसईओ वगैरह में थोड़ा सा बताएंगे कुछ आपके तरफ से 3 टिप्स? टिप्स यही है कि करने के समय पे ध्यान देना है। हाँ, पोस्ट करने के टाइम पे ध्यान देना। मैंने मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है वो मैं? अच्छा देखो, पहली चीज़ तो है तुम्हारा कॉन्टेंट, वो तो है ही मैन, ठीक है। दूसरा है आप टाइम, ठीक है, टाइम डिसाइड, टाइमिंग किस टाइम पे आप पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, और प्लस जो आप रील बनाओ वो ज़्यादा टाइम की नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट कंटेंट होना चाहिए, ये मैन है। और हैशटैग वगैरह मैटर करता है? करते हैं, और ये इनका ना फंडामेंटल आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। मैं अगर बिना हैशटैग के भी डालता तो भी वीडियो चल जाती है, और डालता हूँ तो भी चल जाती है। बस ये है कि आप जो हैशटैग डालेंगे तो वहाँ पे आपकी वीडियोस होने लगेगी उस हैशटैग के साथ। तो मैं क्या ना कि मैं गुड़गांव के हैशटैग हर वीडियो में मिलेंगे, ठीक। तो अगर कोई गुड़गांव सर्च करेंगे ना तो मेरी वीडियो दिखेंगे, ठीक है। तो बढ़िया राम जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने बताई हमारी ऑडियंस को। गाइस अगर आपको केस स्टडी के लिए आपको देखना है तो भाई का पेज चेकआउट कर सकते हैं, और स्वेच्छा से आपकी मर्जी आप चेकआउट करें। अगर आपको इंटरेस्ट है इंस्टाग्राम पेज वगैरह बनाने में तो इनका पेज आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कॉन्टेंट बना रहे हैं, क्या फ्रिक्वेंसी है, कैसे कर रहे हैं। बाकी हमने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें कवर कर ले। प्रैक्टिकल के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो इनका पेज और वहाँ से आइडिया ले सकते हो। और आप भी अगर आप इंस्टाग्राम पे काम शुरू करना चाहते हो तो आपके ऊपर है, आप शुरू कर सकते हो। और अभी इंस्टाग्राम पे ब्रांड प्रमोशन सबसे बेस्ट तरीका है, उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग भी होते हैं, और हम अपने खुद के प्रोडक्ट भी प्रमोट करके सेल करके वहाँ से पैसे बना सकते हैं। तो 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने और भी इंस्टाग्राम एडमिन्स के साथ में वीडियो किया हुआ है, तो उनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी चेकआउट कर लेना, वहाँ से भी आपको 2-4 आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ठीक है, इसके अलावा हम और भी वीडियोस लेके आते रहते हैं इस चैनल पर मनी मेकिंग से रिलेटेड। तो आप इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो कि भाई जो लेजिट तरीके हैं पैसे कमाने के, जहाँ से हम एक करियर भी बना सकते हैं, जैसे भाई जॉब से डबल ट्रिपल पैसे बना रहे हैं, तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो साइड असल और वहाँ से इनकम करना चाहते हो, तो हमने और भी कुछ तरीके बता रखे हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना रहेगा। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको जरा सा भी वैल्यू मिला हो तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों से आपको मिलवाते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें मचाते रहो।